Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine and you have read by the title what today's video is going to be about. This video has given me such a hard time. मैंने वीडियो कल शूट करी थी और I was transferring the data to my laptop जब मैंने वीडियो ऐसे ही रैंडमली चलाके देखी और I realized that मैंने अपना माइक ही ऑन नहीं किया था और the entire video had no audio in it. आई वो सोप इज डट माई सेल्फ बट आई एम ह्ययर शूटिंग द वीडियो येट अगेन तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हाई माई नेम इज़ सोनू मिश्रा आई पोज ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट ह्ययर ऑन यूट्यूब ट्वाइस एवरी वीक सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल डाउन बिलो और उसके साइड में बेल बटन भी प्रेस कर देना ताकि यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो एंड नाउ विदाउट मेकिंग द इंट्रो एनी लॉन्गर लेट्स जस्ट डाइव रू इट तो मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन कैसे रिमूव करें डार्क सर्कल्स हो गए हैं वो कैसे रिमूव करें और अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम कैसे ठीक करें डार्क so, सर्कल्स अनइवन स्किन टोन पिगमेंटेशन ये सब के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी द कॉजेज द क्योर द डूज एंड द डोंट्स इफ यू आर इंटरेस्टेड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी विद द रीजन कि किस वजह से आपको अनिवन स्किन टोन या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है इंक्लूडिंग डार्क सर्कल्स इन इट एक रीजन है एक्सपोजर टू सन हो सकता है कि आपकी बॉडी में एक्सेस मेलेनियन प्रोडक्शन है उस वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है देन देर आर चांसेस कि आपको हॉर्मोनल इम्बेलेंस की वजह से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है हो सकता है देर इज़ अ डेफिशेंसी ऑफ वाइटामस इन योर बॉडी सो देर आर अ लॉर रीजन जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है तो यू कैन गेट योर सेल्फ चेक बाई अ डॉक्टर एंड सी अगर आपकी बॉडी में वाइटामस की डेफिशंसी या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको ये स्किन प्रॉब्लम हो रही है तो यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर बट अदर देन दैट मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने स्किन केयर को इम्प्रूव करें जिससे आपको अन स्किन टोन और पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में हेल्प हो okay, और जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो एज यू ऑल नो दैट वी आर सिटिंग बैक एट होम सिंस लाइक वन वन एंड हाफ ईयर्स तो घर बैठे बैठे हम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है एंड दैट इज़ अ मेजर रीज़न फॉर डार्क सर्कल्स जितना स्क्रीन टाइम इंक्रीज होगा उतना हमारे डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं तो दैट इज़ अ वेरी मेन रीजन एंड ऑल्सो इफ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल दैट कैन बी अ रीज़न टू तो आप अपने स्किन केयर से कैसे ये रिड्यूस कर सकते हैं दैट इज वी वील टॉक इन टू डेज स्टार्ट दीडियंट दीरो इनग्रीडियंट जिससे कि आपको और की करने में हो सकती है, e helps, अगर आपको हल्का फुल्का पिगमेंटेशन है या बहुत हल्के से डार्क सर्कल्स है तो इवन वाइटमिन ई हेल्प बट वाइटामिन सी इज रियली रियली गुड फॉर स्किन इट हैज बेनिफिट्स वाइटामिन सी आपको ग्लोइंग स्किन देता है इट गिव यू प्रोटेक्ट एक्शन फ्रॉम सन इट बूस्ट कोलाजियन प्रोडक्शन जब कोलाजन प्रोडक्शन बूस्ट होगा तो आगे चल के जैसे फाइन लाइन और रिंकल्स की प्रॉब्लम आ जाती है तो वाइटामिन सी उसमें भी हेल्प करता है सो वाइटामिन सी ऑयल एंड ऑल बहुत अच्छा इंग्रीडियंट है टू इंकारट इन योर स्किन केयर अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए या बहुत ज्यादा सनबोर्न हो गए हैं अनइवन स्किन टोन है तो यू कैन इनकॉर्पोरेट वाइटामिन सी इन योर स्किन के इट इज अ वेरी गुड इन्ग्रीडियंट अब आपको वाइटामिन सी अपने स्किन के हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है तो जैसे कि हम सबको पता है कि ऑल दिट्रसी फ्रूट्स लाइक नींबू ऑरेंजेस ऑल दीज हैिन सी इन इट्स राइट हम सबको पता है वी ऑल हैव डन दैट आई एम श्योर वी ऑल हैव डन दैट कॉमन डाउन बिलो के आप में से किस किस ने अपने फेस में नींबू लगाया है या तो डायरेक्ट या फिर वो हम बेसन के फेस पैक बनाते थे ना उसमें नींबू डाल के लगाते थे राइट मैंने भी किया है बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है मेक श्योर sure आप ये गलती कभी ना करें क्योंकि ये लेमन हैज वाइटमिन सी जिससे आपको ग्लो दिखता है अपनी स्किन पे बट विद डैट इट हैज सम एसिड्स टू जो कि लॉन्ग रन में आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है एंड इट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन तो मेक अ नोट कि आज के बाद आप किसी भी फॉर्म में डायरेक्ट लेमन अपने फेस पर अप्लाई नहीं करेंगे तो आप वाइटामिन सी हमेशा एक प्रोडक्ट के फॉर्म में अप्लाई करें इन अ स्टेबल फॉर्म तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर स्किन केयर रूटीन इज अ वाइटामिन सी सीरम नाउ देर आर अ लॉट ऑफ वाइटामिन सी सीरम्स अवेलेबल मार्केट में आपको बताऊंगी की मैं कौन कौन सी यूज कर चुकी हूं एंड वट आर माई रिव्यूज अबाउट अगर आप चाहते हैं अपने स्किन केयर में वाइटामिन सी इंकारट करना तो मेक श्योर sure आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रटेड वाइटामिन सी ना लगाएं क्योंकि वाइटमिन सी इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट और अगर आपकी स्किन इज नॉट यूज टू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो इट माइट ब्रेक आउट और इवन योर स्किन माइट गेट सेंसिटिव वाइटमिन सी नॉर्मली हर स्किन टाइप पे सूट हो जाता है बट आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो आप कम कॉन्सेंट्रेशन का वाइटमिन सी सीरम लें उससे आप स्टार्ट करें और स्टार्ट करने से पहले आप या तो अपने कान के पीछे या फिर यहाँ पे थोड़ा सा सीरम लगा के वेट फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स एंड सी कि आपको एलर्जी तो नहीं हो रही है अगर होती है तो मे बी यू स्विच द प्रोडक्ट टू सम अदर ब्रांड ओके तो जब मैंने वाइटामिन सी अपने स्किन केयर में स्टार्ट किया था तो आई स्टार्ट विद दिस गुड वाइट्स वाइटामिन सी एंड ई तो इसमें वाइटामिन सी और ई e दोनों हैं ये एक बहुत ही लाइट फेस सीरम है बहुत ही लाइट वाटर जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है और बहुत जल्दी ये स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है हाँ ये थोड़ी सी स्टिकी फीलिंग जरूर देता है बट वंस इट इज़ अब्जॉर्ब इन टू योर स्किन प्रॉपर्ली एंड यू टॉप इट टॉप विद द मॉइस्चराइजर यू आर गुड टू गो तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं दिस इज़ अ वेरी गुड सीरम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है इट इज़ अ बिगिनर फ्रेंडली सीरम इसमें वाइटमिन सी और वाइटमिन ई दोनों ही है तो अगर आपको बहुत स्लाइट डार्क सर्कल्स आ रहे हैं या अन स्किन टोन है तो दिस विल हेल्प यू बहुत रैपिड इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा बट ओवर द टाइम यू विल नोटिस अ डिफरेंस इट विल गिव अ ग्लो टू योर स्किन आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट बना देगा और अगर आपको एक्ने स्कार्स वगैरह हैं तो धीरे धीरे वो भी लाइट हो जाएंगे So, you can start with this serum. I really like this serum. So, the next vitamin C serum that I want to talk about is my absolute, absolute favorite vitamin C serum. Ever since I got my hands on this serum, I am in love with it. So, the, it is this. लॉम मैंडर इन वाइटामिन सी फिफ्टीन परसेंट सीरम सो दिस हैज ए लॉट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाइटमिन सी इन इट इसमें फिफ्टीन परसेंट वाइटामिन सी है तो अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप डायरेक्ट इससे स्टार्ट करें बिकॉज फिफ्टीन परसेंट इज रियली कॉन्सेंट्रेटेड जब आपकी स्किन आपको लगे इज गेटिंग यूज टू वाइटमिन सी और आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन या कुछ नहीं हो रहे हैं तो यू कैन स्विच इट अप टू दिस दिस इज माई एप्सोल्यूट फेवरेट वांस यू स्टार्ट यूजिंग दिस देर इज नो गोइंग बैक दिस इज़ सच अ मैजिकल प्रोडक्ट मैं इसको रात में यूज़ करती हूँ एंड सुबह माई स्किन दैट वेरी ब्यूटिफुल ग्लो फ्रॉम विद इन सोर ऑफ अ फीलिंग माई स्किन फील सो ब्यूटिफुल एंड दिस हैज ओवर टाइम हेल्प मी रिड्यूज़ माई अनइवन स्किन टोन प्रॉब्लम और मेरे माउथ के अराउंड जो पिगमेंटेशन था वो भी बहुत रिड्यूज हुआ है एवर सिंस है लव दिस सीरम सो इफ यू यूज वाइटमिन सी और इफ़ यू विल यूज़ वाइटामिन सी फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड योर स्किन इज़ यूज टू प्लीज स्विच टू दिस यू विल लव दिस प्रोडक्ट बट अगर आप विटामिन सी से यूज टू नहीं हैं आप बिगिनर्स हैं और फर्स्ट टाइम आप विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं तो आई ऑल्सो हैव वन आफ द ऑप्शन फॉर यू इट इज दिस लैक में नाइन टू फाइव वाइटामिन सी सीरम तो इसमें सिर्फ टू परसेंट वाइटामिन सी है परफेक्ट फॉर बिगिनर्स आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं बोथ ऑफ दैम कम इन ब्यूटिफुल डार्क बॉटल्स और अगर आपने नोटिस किया होगा मैं अपने वाइटामिन सी के सारे प्रोडक्ट्स अभी भी डब्बों में ही रखती हूँ और मैं ऐसा क्यों करती हूँ मैं वो भी आगे बताऊंगी तो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ओके सो दिस पर्टिकुलर सीरम इज परफेक्ट इफ़ यू आर बिगिनर्स बट इफ यू हैव ऑलरेडी इन कार्पोरेट वाइटमिन सी इन योर स्किन केयर Please switch up to this. This is a magical product. Now talking about the differences between the two, this one has 2% vitamin C. This has 15% vitamin C. This is absolutely fragrance free. This has a citrusy feeling to it. So अगर आपको वो नींबू और ऑरेंजेस में जैसी स्मेल आती है, अगर आपको वो fragrance अच्छी नहीं लगती है, या you don't like Fragrance in your skincare at all, so you might not like this product, but I don't mind the fragrance. And apart from that, this one is very, very light, it is just like water, and the black may one is slightly like lemon juice kind of a consistency. So, yeah, that is it. But these both serums are really good. So, I have been using this 15% serum. फॉर अ वाइल्ड नाव तो मुझे इसका उतना ज़्यादा इफेक्ट अब नहीं दिखता बिकॉज ऑब्बियसली माई स्किन इज बींग यूज टू फिफ्टीन परसेंट सीरम तो दो परसेंट से क्या ही फर्क पड़ेगा बट स्टिल इट डज गिव अ ग्लो टू माई स्किन तो वट आई डू इज आई यूज दिस सीरम ड्यूरिंग द डे एंड दिस एट द नाइट पहले जब मैं वाइटामिन सी लगाती थी तो मैं सिर्फ रात में ही वाइटामिन सी लगाती थी क्योंकि वाइटामिन सी इज़ फोटो सेंसिटिव और यही रीज़न है कि ये डार्क बॉटल्स में अच्छा है और मैं इनको इसीलिए डब्बों में ही रखती हूँ तो आप कभी भी वाइटामिन सी सीरम को सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं छोड़ेंगे जब भी आप वाइटमिन सी यूज़ करेंगे यूज़ इट एंड

ताकि एक बैरियर बना रहे सन आपके फेस को इफ़ेक्ट ना करे और उस बैरियर के अंदर अंदर विटामिन सी अपना काम भी करता रहे एंड यू गेट दैट ग्लोइंग स्किन तो हाउ आई यूज़ माय विटामिन सी सीरम्स इज दैट आई यूज दिस वन एट नाइट दिस वन ड्यूरिंग द डे बट बिफोर यूजिंग वाइटमिन सी सीरम मेक श्योर यू टोन योर फेस क्लेंजिंग के बाद आप टोनर ज़रूर लगाएं क्योंकि कोई सा भी टोनर आप ले सकते हैं रोज़ वाटर ले सकते हैं या एनी टोनर दैट यू वांट तो टोनर लगा के क्या होगा कि जो आपका पोर्स है डेल क्लोज ठीक है अगर आप टोनर नहीं लगाओगे तो वी टैन टू स्वेट तो जब स्वेटिंग होती है तो हमारे पोर्स क्लॉग हो जाएंगे अगर पोर्स क्लॉग हो जाएंगे तो आप उसके ऊपर विटामिन सी सीरम लगा लो क्रीम लगा लो मॉइस्चराइजर लगा लो कुछ भी लगा लो योर स्किन वोंट वोटॉर्ब इट एंडर इज नो पॉइंट ऑफ अप्लाइंग सच गुड थिंग्स टू योर स्किन राइट सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर योर स्किन बिफोर द वाइटमिन सी सीरम यूजिंग अ टोनर लेट इट अब्सॉर्ब इन टू योर स्किन एंड वंस दैट इज डन यू टेक एनी वाइटमिन सी सीरम ऑफ योर चॉइस जस्ट टेक टू टू थ्री ड्रॉप्सिन सी सीरम ऑन योर पाम उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है दो से तीन ड्रॉप्स इनफ है उनको अपने पाम में लेके आप पैट करेंगे अपनी स्किन पे लाइट विद लाइट हैंड्स तब तक जब तक कि वो सीरम आपकी स्किन में कम्प्लीटली अब्जॉर्ब ना हो जाए अब आप डायरेक्ट वाइटामिन सी के ऊपर अपना मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं बट वट आई एम डूइंग दिस डेज इज़ आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस एंटायर वाइटामिन सी रेंज फ्रॉम लैक में तो इसमें ये नाइट और डे क्रीम भी आती है तो ये दोनों एकदम सेम पैकेजिंग में आते हैं पर इसमें लिखा हुआ है कि ये नाइट क्रीम है ये डे क्रीम है टेक्सचर में भी थोड़ा डिफरेंस है जो डे क्रीम है वो स्लाइटली पिंक कलर की है और आप देख रहे हैं बहुत लाइट है बहुत लाइट है और बहुत आसानी से आपकी स्किन में ये अब्जॉर्व हो जाती है बहुत लाइट क्रीम है सो आई रियोली लाइक यूजिंग दिस वन ड्यूरिंग द डे इट डज़ नॉट फील हैवी ऑन माई स्किन और स्टिकी इट इज़ वेरी वेरी लाइट सो आई रियली लाइक दिस तो अगर आप ऑयली स्किन टाइप भी हैं तो दिस विल वर्क वेरी गुड फॉर यू और जो नाइट क्रीम है दिस हैज़ स्लाइटली औरज येलोइ औरेंज काइंड ऑफ़ टू इट और ये कंपेरेटिव टू द डे टीम थोड़ी सी थिक है बट ये भी अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है ओवर नाइट के लिए ये बहुत बढ़िया है आप रात में अच्छा लेयर अपने फेस पर लगा के टॉप विदराइजर दिस मॉइस्चराइजर इज माई होली ग्रेल यू नो इट बाई नाउ आई यूज ओनली दिस मॉइस्चुराइजर आई लव दिस मॉइस्चराइजर मैं रात में प्लम वाले के साथ लैक्मे की नाइट क्रीम यूज करती हूँ डे में मैं लैक्मे वाले सीरम के साथ ही लैकमे की डे क्रीम यूज करती हूँ सो दिस इज हाउ आई लेयर माई वाइटमिन सी अगर आप चाहें तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल सी अ डिफरेंट वाइटमिन सी एक्चुअली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस बस आप लो कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करना थोड़ा टाइम हो जाएगा वाइटामिन सी से आपकी स्किन यूज टू हो जाएगी देन यू स्विच अप टू अ हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड योर स्किन विल ग्लो लाइक अ ड्रीम ओके सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल एंड इफ सो प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट्स बॉक्स बिलो और अगर आपके कोई भी और क्वेश्चन है वाइटामिन सी से रिलेटेड स्किन केयर से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन फॉर दैट मैटर पुट देम इन द कॉमेंट्स बॉक्स बिलो I hope you liked today's video. And if you did, please consider hitting the like button. And if you have not subscribed to my channel yet, please do it now. And don't forget to hit the notification bell right next to it so that you get notified every time I upload a video. I will see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye.